दोस्तों अक्सर आप लोग जब सीबीसी का टेस्ट कराते हो तो उसमें देखते हो डब्ल्यूबीसी में टोटल टीएलसी और डीएलसी, यानी कि टोटल काउंट और डिफरेंशियल काउंट, ये कम या ज्यादा हो जाता है, इसके रीजन क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीएलसी लो और हाई होने के रीजन क्या होता है, यानी कि टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट जो आपके शरीर में होता है वह कौन से कंडीशन में हाई हो जाता है और कौन से कंडीशन में लो हो जाता है, उसके रीजन क्या होता है, सारे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों टीएलसी का मतलब क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला, या हमारे शरीर में अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस अगर आता है तो उससे बचाने सुरक्षित करने का जो काम होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट का होता है। और ये 5 तरह के होते हैं। पहला होता है न्यूट्रोफिल, लैम्फोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट। ये 5 तरह के होते हैं डब्ल्यूबीसी। लेकिन कौन से ऐसे कंडीशन आता है जिसमें डब्ल्यूबीसी कम या ज्यादा हो जाता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे डब्ल्यूबीसी हाई होने के रीजन क्या होता है, यानी कि क्यों डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहला जो रीजन आता है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर है तो उनका जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हाई हो जाता है, तो जिसके वजह से या तो कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वो बढ़ जाता है। दूसरा, अगर न्यूबर्न बेबी है तो न्यूबर्न बेबी में आप देखोगे कि उसका जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हाइयर साइड में बना होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो इम्यून सिस्टम होता है वो काम नहीं करता है, यानी कि ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हाई हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन भी हुआ है तो भी आप डब्ल्यूबीसी जो देखोगे वो हाई हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को रोमाटाइटिक अगर अर्थराइटिस अगर हुआ है तो उस कंडीशन में भी डब्ल्यूबीसी हाई हो जाता है। अक्सर आप देखते हो किसी व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट हुआ है उस कंडीशन में आप जब उसका टेस्ट कराओगे डब्ल्यूबीसी का तो वो हाई हो जाता है। रीजन ये होता है कि उस कंडीशन में हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पे जो हमारे सेल्स होते हैं वह ब्रेक हो जाते हैं, जिसको सही करने के लिए जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट आता है कि ब्लड कैंसर अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो उस कंडीशन में आप डब्ल्यूबीसी देखोगे वो हाई हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि लो होने के रीजन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कौन से ऐसे कंडीशन में लो हो जाता है अपने नॉर्मल रेंज से। तो अगर किसी व्यक्ति को केमोथेरेपी अगर चल रहा है, कैंसर हुआ है व्यक्ति को और केमोथेरेपी उसका चालू है, तो उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी उसका कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हुआ है तो वहां पे भी डब्ल्यूबीसी उसके वजह से कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो मलेरिया के कंडीशन में भी डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। डेंगू फीवर में आप देखोगे जो डब्ल्यूबीसी का जो लेवल होता है वह कम देखने को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो उसमें भी डब्ल्यूबीसी का जो रेंज होता है वह कम हो जाता है। तो ये तो टोटल डब्ल्यूबीसी कम और ज्यादा होने के रीजन थे, लेकिन जो इसके 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के जो इसके डीएलसी होते हैं डिफरेंशियल काउंट, वह कम और ज्यादा होने के क्या रीजन होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।